भोजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां शराब तस्कर समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 735 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त किया है। हिमाचल से शराब की ये खेप लाई जा रही थी। जगदीशपुर के बबनियाओं टोल प्लाजा के पास पुलिस ने छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। भोजपुर में पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की ये बड़ी खेप बरामद की है। इस दौरान तस्कर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। चेकिंग में एक गाड़ी थी जिसको ऊपर से कुछ अन्य चीजों से ढका गया था, और ढक के जो है उन शराब को नीचे जो है जो प्लान करके आजकल करते हैं कि ऊपर कभी सीमेंट रख लिए, कभी कोई सब्जी रख लिए, कभी कुछ अन्य चीजें, तो अपना इसकी ढुलाई ये लोग कर रहे थे। वहाँ से जब चेकिंग में हम लोगों ने इसको बरामद किया तो ये काफ़ी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई, और इसका लिंक जो है हिमाचल से लेके और इधर मधुबनी तक जुड़ा हुआ है। तो इस शराब तस्कर गिरोह का तार हिमाचल से लेकर मधुबनी तक जुड़ा हुआ है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। 735 लीटर अंग्रेजी शराब की एक खेप ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही शराब तस्कर समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी विशाल जुड़ रहे हैं। विशाल, शराब की बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, आपको बता दो कि ये पूरा घटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया है। जो ये शराब है हिमाचल प्रदेश के शिमला से बिहार के मधुबनी जिले ले जा रही थी। भोजपुर पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच पर जो एक ट्रक है शराब से लदा हुआ है जो पटना की ओर जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीम बनाकर जो टोल प्लाजा है जगदीशपुर के पास वहाँ नाकेबंदी करके जांच शुरू कर दी। इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक में पहले तो कुछ ऊपर से कुछ अलग सामान दिखा, उसके बाद जब गहन से तलाशी ली गई तो ट्रक के निचले हिस्से में पुलिस पहुंची तो वहां से शराब बरामद किया गया है। जी दीपक। विशाल, पुलिस का कहना है कि ये पूरा संगठित गिरोह है जो हिमाचल से मधुबनी तक काम कर रहा है, तो गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई हो रही है। जी बता दूं कि अभी इस ग्रुप के चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें जो है सबसे बड़ा जो बिहार का सप्लायर है हिमाचल के शिमला का रहने वाला है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। उसके साथ जो और तीन लोग थे उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो पूरा नेटवर्क है वो पूरे बिहार में जो अलग अलग जिलों में विभिन्न लोगों को शराब की बड़ी खेप मुहैया कराता है। जी देखो, धन्यवाद विशाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, शराब तस्करी के संगठित गिरोह का उद्भेदन किया है पुलिस ने।